हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट टू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन किया था, जहां पर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है वो देखा था, है ना। तो नाउ दिस वीडियो में वी लर्न अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? व्हेन द इंक्रीज ऑफ वन अमाउंट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ अनदर अमाउंट एट द सेम रेट, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? जब कोई चीज किसी रेट से बढ़ रही है तो उसी रेट में कोई दूसरी चीज बढ़ रही है, तो दैट इज दैट रिलेशनशिप इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब किसी एक के वजह से दूसरी चीज भी उसी रेट पे बढ़ रही है, तो उसका सिंबल है यहाँ जो रेड में दिया है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल, अ कार कंज्यूम्स 1 लीटर पेट्रोल टू कवर 10 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर के लिए अ कार इज कंज्यूमिंग 1/10 लीटर, या तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है। ठीक है, 2 लीटर में हम निकालेंगे, जब 1 किलोमीटर यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो 1 किलोमीटर 1/10 लीटर में चल रही है, तो हम 20 किलोमीटर के लिए उसको 1/10 × 20 यानी कि 2 लीटर लगेगा। 30 किलोमीटर के लिए 1/10 × 30 यानी कि 3 लीटर लगेगा। 400 किलोमीटर के लिए 1/10 × 400 इक्वल टू 40 लीटर लगेगा। तो अब यहाँ आप नोटिस करोगे कि ये एक कॉन्स्टेंट रेट में बढ़ रही है। दिस इज इंक्रीजिंग इन अ कॉन्स्टेंट रेट। What is increasing in a constant rate? जितना लीटर पेट्रोल लग रहा है उसी के हिसाब से डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द रेशियो ऑफ पेट्रोल कंज्यूम टू डिस्टेंस कवर्ड। पेट्रोल कंज्यूम टू डिस्टेंस कवर्ड, चारों जो पीछे मैंने एग्जाम्पल दिए उसके हिसाब से 1:10, 2:20, 3:30, 40:400 यानी कि 40 लीटर में 400 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको रिड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि सारे रेशियोस एक ही हैं, 1:10, 1:10, 1:10, 1:10। दिस शोज दैट द फ्यूल कंज्यूम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज कॉन्स्टेंट, है ना। दिस रिलेशनशिप इज सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ओके, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इसका ऑपोजिट हो जाता है। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? व्हेन द इंक्रीज ऑफ वन अमाउंट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ अनदर अमाउंट एट द सेम रेट। उसमें क्या हो रहा था? दोनों सेम रेट से इंक्रीज हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा है? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है किसी रेट में, तो दूसरा क्वांटिटी उसी रेट में डिक्रीज हो रहा है। याद रखिए कि रेट चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का रेट सेम हो रहा है, लेकिन एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में दोनों में इंक्रीज होता है, तो उसका सिंबल इज 1/(this). ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रैवल टाइम। हाउ? इफ यू इंक्रीज द स्पीड, ट्रैवल टाइम डिक्रीजेस। इफ यू डिक्रीज द स्पीड, ट्रैवल टाइम इंक्रीजेस। देख रहे हो, अगर आपने स्पीड इंक्रीज किया तो टाइम घटता है, अगर स्पीड कम किया तो टाइम बढ़ता है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। कितने लोग एक जॉब के लिए लगेंगे उसके हिसाब से उसका टाइम इफेक्ट होगा। अगर आप 2 जन एक जॉब में लगाओगे और 10 जन उसी जॉब के लिए लगाओगे, तो कौन सा जॉब जल्दी खत्म होगा? जिसमें 10 जन है ना। तो टाइम किसमें कम लग रहा है? जिसमें 10 जन है, लेकिन उसमें वर्कर बढ़ गए हैं लेकिन टाइम कम हो गया। इसमें वर्कर कम है लेकिन टाइम ज्यादा है, तो इट इज इनवर्स, मतलब उल्टा। ठीक है, सो इफ यू इंक्रीज द वर्कर्स, टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब डिक्रीजेस। If you decrease the worker, the time required to do the job increases. एक problem देखो, एक car लेती है 2 hours to cover a distance of 100 kilometers, the speed of 50 kilometers per hour. और same distance को एक bullock car travels 5 kilometers in 1 hour. To cover a distance of 100 kilometers, the speed of 5 kilometers, the bullock car takes 20 ghanta. ठीक है, तो उसी distance के लिए bullock car को 20 ghanta लग रहा है। So we know the physics से आपको ये formula तो पता होगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तो स्पीड ऑफ द कार यहाँ 50 किलोमीटर पर आ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इज 100 किलोमीटर, सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड इक्वल टू 2 आवर्स। सेम विद बुलक कार्ट निकालोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसको 20 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 20 घंटे लग रहे हैं और उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार का स्पीड ज्यादा है ना। इन द अबव एग्जांपल, स्पीड ऑफ द कार इज मोर, हेंस टाइम टेकन इज लेस। टू कवर द सेम डिस्टेंस, द बुलक कार टेक्स टाइम एट लेसर स्पीड। इफ स्पीड इक्वल टू एक्स टाइम वाई डिस्टेंस जी, देन एक्स इंटू वाई इक्वल टू जी। तो आप यहाँ देखोगे तो 50 × 2 = 100। यहाँ देखो, यहाँ पर 50 स्पीड है और टाइम कम है, इधर 5 स्पीड है और टाइम
ज्यादा है. ओके, सो हियर वी कैन सी दैट एज स्पीड इंक्रीजेस टाइम रिड्यूसेस फॉर द कार एंड एज स्पीड डिक्रीजेस द टाइम इंक्रीजेस फॉर द पुलअप कार. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. तो आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में क्या याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में दोनों क्वांटिटीज का रेट एक जैसा बढ़ता है, एक ही जैसा बढ़ता है. ठीक है, अगर ये उतने रेट से बढ़ रहा है तो ये भी उतने रेट से बढ़ता है. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में भी रेट सेम है लेकिन एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है. ओके, तो अभी हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो देख लेते हैं. ओके, तो उसके हिसाब से आप सम सॉल्व कर सकते हो. कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. रेशियो ऑफ नंबर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए इज टू बी. ये सिंबल आपको पता है. हियर ए इज कॉल्ड द प्रेडेसेसर और बी इज कॉल्ड द सक्सेसर. हम जनरल टर्म्स में जो प्रेडेसेसर सक्सेसर कैसे याद रख सकते हो. प्रेडेसेसर मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको प्रेडेसेसर बोलते हैं. उसका मतलब क्या, वो हमसे पहले आए, यानी कि दे केम फर्स्ट. सक्सेसर मतलब हमारे बाद में जो आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे बाद में, यानी कि सेकेंड. ओके, तो प्रीडेसेसर इज द फर्स्ट टर्म यानी कि ए एंड सक्सेसर इज द सेकेंड टर्म यानी कि बी. नाउ पॉइंट टू, इन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इफ द सेकेंड टर्म इज 100 देन इट इज नोन एज अ परसेंटेज. ठीक है, 1/100 इज अ परसेंटेज. ठीक है, 16/100 इज अ परसेंटेज यानी कि 100 में से 16 यानी कि 16%. ओके, तो रिमेंबर अगर 1:100 दिया है या 12:100 यानी कि दिस 12%. ओके, देन द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर्स. अभी आप 3:4 देख रहे हो, इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6:8 मिलता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9:12 मिलता है, लेकिन द रेशियो इज नॉट चेंजिंग बिकॉज व्हेन यू रिड्यूस इट इट कम्स बैक टू 3:4. सेम विद 2, 3, 5. इफ यू इंक्रीज ऑल ऑफ देम बाय 4 यू आर गेटिंग 8, 12 and 20. व्हाई, because we have increased all of them with the same number. That's how you are supposed to increase ratios. So that when you reduce it, it comes back to the original ratio and that ratio remains unchanged. यहाँ पर k is a non-zero number. तो अगर आप यहाँ देखो a is to b है, a k लिखा है, इसका मतलब कि आप k को कोई भी number से non-zero number से replace करोगे तो आपको b के साथ भी वही non-zero number लगाना है. तो आपको जो ratio मिलेगा that will be unchanged. Okay? सेम विथ 3 and 4 कितने भी रेशियोज में इट्स एप्लीकेबल टू ऑल. नाउ फोर्थ, द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट. अगर ग्राम है तो किलोग्राम और ग्राम को ग्राम इज टू किलोग्राम नहीं हो सकता. ग्राम इज टू ग्राम हो सकता है, किलोग्राम इज टू किलोग्राम हो सकता है, मीटर इज टू मीटर हो सकता है, मीटर इज टू सेंटीमीटर नहीं हो सकता. तो यू हैव टू चेंज इट फर्स्ट. एंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस. मतलब इस जो रेशियो आपको जो एंड में मिलता है दैट डजंट हैव अ यूनिट. यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ 2 केजी एंड 300 ग्राम कैन नॉट बी रिटन एज 2:300. कैन इट बी रिटन? नो, क्योंकि ये केजी में है और एक ग्राम में है. आप या तो इसको केजी में कन्वर्ट करो और या इसको ग्राम में कन्वर्ट करो. तब जाके जैसे आप यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 2000:300 लिख सकते हो. और जब आप इसका रेशियो निकालोगे तब ये 20:3 आता है. आप इसको कोई यूनिट नहीं दे सकते. यस, बिकॉज वाई, दिस इज अ रेशियो. Here it is 2000 kg, sorry, 2000 gram is to 300 gram. But here you cannot do that. ठीक है? So these are some properties of ratio and also direct and inverse proportion. इस concepts को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये concept आपको आगे के classes में भी बहुत काम आएंगे, आपके problem solve करने के लिए भी आपको help करेंगे. Okay? Next video में हम 2-3 sums solve करके देखते हैं. Okay? So study well, take care, God bless. और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया रेशियो प्रोपोर्शन, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर, गॉड ब्लेस.